जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन की जो पोस्ट आ रखी थी, आपने रिटर्न एग्जाम दे दिया है और अभी आप लोग रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे जैसे बच्चों के क्या अच्छे मार्क्स हैं, तो अच्छे मार्क्स वाला बच्चा अपना फिजिकल के लिए और उसको अपने ट्रेड टेस्ट के बारे में सोचता है कि उसको पता है कि मेरा ऑलरेडी भाई एग्जाम मेरा क्लियर है और मैं आगे की प्रोसेस की अपनी तैयारी करूं। तो एक भाई ने कमेंट किया था कि सर, सीआरपीएफ जो कांस्टेबल ट्रेड्समैन है, इसके अंदर क्या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मान जाएगा कि नहीं मान जाएगा, कौन कौन सी ट्रेड के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मान जाएंगे, कौन सी ट्रेड के लिए नहीं मान जाएंगे, और जिस ट्रेड के लिए अगर एक्सपीरियंस मांगा जाता है तो कैसे आपको एक्सपीरियंस बनवाना है, इसी टॉपिक पे बात करेंगे। चैनल पे अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को अभी तक लाइक इनके लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, कांस्टेबल जो टेक्निकल ट्रेड्समैन की जो पोस्ट आई थी, इसके अंदर सबसे पहले हम बात करें कि किस ट्रेड का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको चाहिए ही चाहिए हर हाल में। तो उसके अंदर अगर आप सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का जो नोटिफिकेशन देखेंगे, तो इसके अंदर एक तो आपके सबसे मेन जो पोस्ट होगी वो पोस्ट होगी आपकी कांस्टेबल MMV, यानी कि मोटर मैकेनिक जो व्हीकल है, जिसके अंदर आपका ITI वगैरह मांगा गया था, यानी कि टेक्निकल जो ट्रेड है ये। इसके अंदर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एक साल का मांगा गया है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इसके अंदर आपके पास में MMV पोस्ट का होना चाहिए। आपके ट्रेड टेस्ट के दौरान ये मांगा जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा तब मांगा जाएगा। तो ये चीज आपके पास में इसका ट्रेड टेस्ट का आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रहना चाहिए। दूसरा, जो पायनियर विंग की जो वैकेंसी थी, पायनियर विंग में जैसे आपका थी इलेक्ट्रिशियन की होगी, प्लम्बर की होगी, मैसन की होगी, ये जो पोस्ट थी पायनियर ब्रांच में आती है, तो पायनियर विंग के जिन बच्चों ने अप्लाई किया था फॉर्म, उनके पास भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। और हर हाल में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका देखा जाएगा जब आप जाएंगे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। अगर आप रिटर्न एग्जाम क्लियर कर देते हैं तो आपका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होता है, या फिर ट्रेड टेस्ट के दौरान भी आपके पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब ये तो हो गई जो मांगा गया, बाकी जो पोस्ट आ गई है जिसके अंदर सबसे ज्यादा फॉर्म भरा गया है, जैसे आपकी भी कांस्टेबल कुक है, वाटर कैरियर है, सफाई कर्मचारी है, वाशरमैन है, इसके अलावा जो मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट की पोस्ट थी, कोबलर की पोस्ट है, कारपेंटर है, पेंटर है, इन सभी जो पोस्ट होगी इनके बारे में अगर हम बात करें, तो नोटिफिकेशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो कहीं भी ट्रेड टेस्ट का जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसका कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। आपका अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन के बाद में जो लिखा गया है डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन में, वो ये लिखा गया कि भी आप जो जिस ट्रेड से, पर्टिकुलर ट्रेड से आप फॉर्म भरे, उसके अंदर आप कुशल होने चाहिए, निपुणता आपको आनी चाहिए और उस पर्टिकुलर ट्रेड का आपको वर्क आना चाहिए। उसके अंदर ट्रेड टेस्ट का कहीं भी जिक्र नहीं किया है। जिस नोटिफिकेशन में ट्रेड टेस्ट का जिक्र किया है, जो टेक्निकल ट्रेड जो मैंने आपको बताई है, आपकी पायनियरिंग की हो गई, इसके बाद MMV की पोस्ट होगी, इनका ट्रेड टेस्ट का उसके अंदर जिक्र किया गया। बाकी किसी भी पोस्ट के लिए ट्रेड टेस्ट का, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का आपका किसी प्रकार का जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, क्योंकि जो बच्चा जैसे कुक से फॉर्म अप्लाई कर रहा है तो वो सीआरपीएफ अकेले में अप्लाई नहीं करता, SSB के कुक में अप्लाई करेगा, BSF के कुक में अप्लाई किया होगा, ITBP के कुक में अप्लाई करेगा, आसाम राइफल में अप्लाई करेगा, यानी कि कुक की किसी भी पोस्ट के अंदर पोस्ट आएगी उसके अंदर सभी के अंदर अप्लाई करता है, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास ऑलरेडी रहता है। तो अगर आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है या फिर आप बनवा सकते हैं, तो बनवा के रखना आपके लिए फायदेमंद इसलिए होगा, अब मान के चलो आप ट्रेड टेस्ट के लिए जाते हैं तो जो एग्जामिनर होता है वो पूछ सकता है भी आपने कहीं पे काम किया है, आप बोले हाँ मैंने वहां पे काम किया, तो आप अपना ट्रेड जो आपका सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, तो आप दिखा सकते हैं। मस्टमर इसके अंदर मांगा नहीं है, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपका एक प्रकार से जैसे वो 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों में से अगर वो नंबर देता है तो आपको 2 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर एक्स्ट्रा दे सकता है अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो, क्योंकि नोटिफिकेशन में मांगा नहीं गया, लेकिन फिर भी आपको बनवा के रख लेना चाहिए, इतना कोई बड़ा नहीं है। कुक वगैरह, वाटर कैरियर, सफाई कर्मचारी, इनका इजीली बन जाता है आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। वैसे मैंने बताया कि मैक्सिमम जहां तक मेरी नॉलेज है, जो बच्चे कमेंट करते हैं, तो मैक्सिमम बच्चों के पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रहता है, आप एग्जाम के टाइम पे जरूर लेके जाएं, अगर आपसे मांगा जाता तो दिखा दें, ताकि आपको रिटर्न टेस्ट में तो आप अच्छे नंबर ले लिया, ट्रेड टेस्ट में भी आपका पास इजीली हो जाए अगर उसके अंदर, क्योंकि एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार से एग्जाम लेगा, लेकिन नोटिफिकेशन के अनुसार आपका किसी प्रकार का भी जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो नहीं मांग रखा है। फिर भी आपको अपनी तरह से हर क्षेत्र में तैयारी रखनी चाहिए, क्योंकि सीआरपीएफ में लिख रखा है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर किसी भी प्रकार का बदलाव किया जा सकता है, तो आपको अगर बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो वैसे तो जो बच्चा फर्स्ट बार देख रहे उसकी तो बात अलग है, लेकिन जो बच्चे मैक्सिमम ट्रेड की भर्ती देखते हैं तो उनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा। तो जो मैन जो मैंने बताई है टेक्निकल ट्रेड को छोड़ के, बाकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नोटिफिकेशन में नहीं दिया हुआ है। तो जहां तक मेरा विचार है, इसके संबंध में आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर इसके संबंध में किसी प्रकार का आपका डाउट रहता है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।